फ्रेंड्स, गर्मियों के दिन हैं और आप सभी के घरों में तरोई की सब्जी ज़रूर बनती होगी। और मेरी तो तरोई फेवरेट सब्जी है, तो हफ्ते में 4 दिन मेरे घर तरोई की सब्जी ज़रूर बनती है। मुझे और मेरे बच्चों को तरोई बहुत पसंद है, तो मैं इसे अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये आधा किलो तरोई ली है और इसे अच्छे से छील कर धोकर अब मैं इसे लंबे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे इसे लंबे टुकड़ों में काट रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने भरवा तरोई की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से काट लिया है और नेक्स्ट हम आगे की तैयारी के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्याज लूँगी और प्याज को भी लंबे लंबे पतले टुकड़ों में हमें काट लेना है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली है, मीडियम साइज़ की प्याज है, और इसे अब मैं लंबे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। दोस्तों, प्याज डालने से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काट ली है और ये लगभग आधा कप चना है, काला चना है, जिसे मैंने लगभग 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था और अभी एकदम अच्छे से फूल गए हैं। तो इस चने का इस्तेमाल हम इस टेस्टी सब्जी को बनाने के लिए करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इस कढ़ाई को फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 छोटे चम्मच तेल यहाँ पे लिए हैं। इस सब्जी में बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। और अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई ऐड कर रही हूँ और इन्हें तड़कने देना है। ये हल्के से तड़कने लगेंगे, तो यहाँ पे कटे हुए प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप तरोई की सब्जी को किस तरह से बनाते हैं और आपको तरोई की कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद है। और अब प्याज भुन गई है, तो यहाँ पे मैं भीगे हुए चने ऐड कर रही हूँ और इसे भी साथ में कुछ देर हमें भून लेना है। कुछ देर भून लेने के बाद मैं यहाँ पे छोटा आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और अब सारी चीज़ों को साथ में मिक्स करते हुए कुछ देर हमें भून लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद मैं यहाँ पे तरोई ऐड कर रही हूँ। मैंने ये कटी हुई तरोई ऐड कर दी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड करके हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए भून लेना है। सबसे अंत में यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें या स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सब्जी अच्छे से भुन गई है, तो मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखना है कि तरोई खुद भी पानी छोड़ती है, तो बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है। और अब इसे मिक्स करके कवर करके हम पकने देंगे। बीच में खोल करके एक आध बार चला लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी सभी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब मैंने इसे एक बार चला लिया है और कुछ देर कवर करके और कुक करेंगे और इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि सब्जी पक गई है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे इसे खोल करके, ये देखिए, मैंने चने को प्रेस करके चेक कर लिया है, चना बिल्कुल पक गया है, तो सब्जी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, ये स्वादिष्ट सब्जी बहुत कम समय में रेडी हो जाती है और तरोई न खाने वाले भी इसे बहुत पसंद से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सब्जी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे, सर्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई डेलीशियस रेसिपी के साथ। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।